बेटा अपनी माँ को गहने बेचने के लिए क्यों कह रहा था। रेखा जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रही थी, लेकिन उनका ध्यान बीच बीच में अपनी बहू काजल पर चला जा रहा था। काजल पड़ोस में ही रहने वाली निशा को अकाउंट समझा रही थी। जब निशा अपनी किताब लेकर चली गई तो रेखा जी ने अखबार फोल्ड करके एक किनारे रखते हुए कहा, अरे बहू, तुम तो निशा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही थी। यह सुनकर काजल मुस्कुराते हुए कहने लगी, मम्मी जी, मुझे तो शुरुआत से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी होते ही पापा ने मेरी शादी की जिद पकड़ ली। मैंने तो उनसे कितनी बार कहा था कि मैं MBA करना चाहती हूँ, उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, फिर शादी करूंगी। लेकिन पापा ने मेरी एक न सुनी और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मेरी शादी ना करवाई होती तो आपके जैसी प्यारी सासू माँ कैसे मिलती। यह कहकर उसने अपने दुख को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, लेकिन रेखा जी ने बहू की आंखों में छाई हुई उदासी को पढ़ लिया था। बहू के टूटे सपनों का दर्द वो खुद महसूस कर सकती थी, क्योंकि एक समय पर वह भी एक टीचर बनना चाहती थी। लेकिन उनके पिता ने भी 12वीं पूरी करते ही उनकी पढ़ाई बंद करवा दी थी और फिर शादी की उम्र होते ही उनकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बहू, अगर तुम्हें आगे पढ़ने का मन था तो शादी के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकती थी। इन 2 सालों में तुमने एक बार भी बताया क्यों नहीं कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो, काजल ने धीरे से कहा। वो माँ जी, मैंने तो अनुज से कहा था कि मुझे आगे पढ़ना है, तो वह बोले कि तुम पढ़कर क्या करोगी। उन्हें लगता है कि औरतों की पढ़ाई लिखाई बेकार होती है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें तो केवल घर गृहस्थी ही संभालनी है और बच्चे ही पालने हैं। कहते हुए काजल की आंखों में आंसू छलक आए। रेखा जी उठ खड़ी हुई और बहू के पास आकर उन्होंने अपने आंचल से उसके आंसू को पोंछते हुए कहा कि बहू रुक, शाम को अनुज को ऑफिस से आने दे, मैं उससे बात करूंगी। वैसे भी हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अनुज चाहे तो तुम्हें आराम से आगे पढ़ने की इजाजत दे सकता है, वो मेरी कही बात को नहीं टालेगा। यह सुनकर काजल हल्के से मुस्कुरा पड़ी। शाम को जब अनुज ऑफिस से घर आया तो चाय नाश्ते के बाद रेखा जी ने उसे और काजल को अपने कमरे में बुलाया। काजल सिर झुकाकर खड़ी हो गई थी। रेखा जी ने धीरे से कहा, देखो बेटा, काजल ने मुझे बताया कि वह आगे पढ़ाई करना चाहती है, तुम काजल को आगे पढ़ने दो, यह बहुत होनहार है। अनुज झुंझुलाते हुए बोला, माँ, अब काजल पढ़कर क्या करेगी, वैसे भी अब इसकी शादी हो गई है, इसे बस गृहस्थी संभालनी चाहिए। रेखा जी ने कहा, क्यों अनुज, तुम्हारे ऑफिस में कोई महिला काम नहीं करती है क्या। अनुज झुंझुलाते हुए बोला, मुझे दूसरों से क्या करना है, मेरी पत्नी क्या करेगी क्या नहीं, यह मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब काजल आगे पढ़ भी पाएगी, क्योंकि इसके पढ़ने की आदत छूट गई है। मैं तो इसकी पढ़ाई पर खर्च करके अपने रुपए बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। यह सुनकर रेखा जी नाराज हो गई और कहने लगी, देख बेटा, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अनुज उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, मुझे अपने रुपए बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। अगर आपको अपनी बहू को पढ़ाने का इतना ही ज्यादा शौक चढ़ा है तो आप अपने गहने बेचकर अपनी बहू को रुपए दे दीजिए, यह फीस भर लेगी। बेटे की बात सुनकर रेखा जी स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने बेटे को सबक सिखाने के लिए कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना रुपए बर्बाद करना होता है, तो फिर मैं भी दिखा दूंगी कि काजल कितनी योग्य है। तुमने ठीक ही कहा है, मैं अपने गहने बेचकर अपनी बहू को पढ़ाऊंगी और देखती हूँ मुझे ऐसा करने से कौन रोक पाता है। अनुज चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपने गहने बेचकर तुम बहुत बड़ी गलती करने वाली हो, क्योंकि काजल पढ़ लिख भी लेगी तो क्या कर पाएगी। वैसे भी इसे पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, अब यह क्या दोबारा पढ़ाई कर पाएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। काजल चुपचाप माँ और बेटे की बीच की बहस सुन रही थी। उसे अपने पति की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर मौका मिला तो वह अपने पति को गलत साबित करके दिखाएगी, क्योंकि उसके पति की सोच भी बिल्कुल उसके पिता की तरह ही थी। वहां मायके में भी उसके पिता ने उसे आगे पढ़ने से रोक दिया और यहाँ उसका पति भी उसे आगे नहीं पढ़ने देना चाहता था। बस एक सास ही थी जो उसका साथ दे रही थी।
अनुज मुंह बनाते हुए वहां से उठकर कमरे में चला गया। काजल धीरे से बोली, माँ आपको मेरे लिए अपने गहने बेचने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ और सोचती हूँ। रेखा जी ने प्यार से बहू के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं सचमुच अपने गहने बेच कर तुम्हें पढ़ाऊंगी, बस तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। काजल झिझकते हुए बोली, लेकिन माँ आपके गहने, मैं ऐसे कैसे? रेखा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बस फिर क्या था? रेखा जी ने कदम कदम पर काजल का साथ दिया। उन्होंने बहू की फीस भरने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। 2 सालों के बाद काजल का MBA पूरा हो गया था और अब वो अच्छी नौकरी की तलाश में थी। उसके अथक परिश्रम को देखकर अनुज भी नरम पड़ गया था। वह भी समझ गया था कि काजल कितनी योग्य है, लेकिन वो पत्नी के आगे झुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुलकर उसकी तारीफ नहीं की थी। मगर अब वह उसका मजाक भी नहीं उड़ाता था। जल्दी ही काजल को एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी रेखा जी को हुई थी। आज उनकी तपस्या पूर्ण हुई थी। उन्होंने बहू को उसके सपने पूरे करने में मदद की थी और उसके जरिए शायद अपने अधूरे सपनों को भी एक नई उड़ान देने की कोशिश की थी। उन्हें तो बस इतनी ही संतुष्टि थी कि भले ही वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी बहू के सपनों को पूरा करने में सहयोग तो किया था। 6 महीने के बाद काजल अपनी सास को लेकर ज्वेलरी शॉप पर गई और उसने अपनी सास को ढेर सारे गहने दिलवाए। जब काजल ने उन्हें इतने सारे गहने खरीद कर दिए तो उनकी आंखें नम हो गई थी। आज उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। भले ही एक समय पर उनके सारे गहने बिक गए थे, लेकिन आज उन्हें फिर से नए गहने मिल गए थे। अगर उस समय उन्होंने गहनों का मोह किया होता तो उनकी बहू शायद इस मुकाम तक ना पहुंच पाई होती। अनुज ने भी एक दिन बातों ही बातों में पत्नी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कमजोर समझता था। मैं सोचता था कि पढ़ाई लिखाई करना बस तुम्हारा फितूर है, लेकिन आज तुमने यह साबित कर दिया है कि यदि औरतों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वह भी कुछ भी कर सकती हैं। काजल ने पति को माफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ लोगों की सोच अभी तक औरतों के प्रति नहीं बदली है, लेकिन इस घर में जिस तरह माँ जी ने मेरा साथ दिया, यदि उसी तरह हर जगह एक औरत दूसरी औरत का साथ दे तो औरतों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले महीने रेखा जी के जन्मदिन पर काजल ने उन्हें सरप्राइज देते हुए हॉल में आने को कहा। जब रेखा जी हॉल में आई तो उन्होंने देखा हॉल में 8-10 छोटे छोटे बच्चे हैं। रेखा जी ने प्रश्न भरी नजरों से बहू की तरफ देखा तो काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ये बगल की झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं, आप इन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देकर अपने सपने को भी पूरा कर सकती हैं। बहू की बात सुनकर रेखा जी खुशी से गदगद हो उठी। सास ने जिस तरह बहू के सपने को पूरा किया था, उसी तरह आज बहू ने भी सास का सपना साकार कर दिया था। दोस्तों यहाँ तो रेखा जी समझदार थी, जिन्होंने भौतिक वस्तुओं का मोह ना करके शिक्षा के महत्व को समझा। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में सुख सुविधाओं को प्राथमिकता ना देकर पहले ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सुख सुविधाएं तो वैसे भी पीछे पीछे दौड़ती चली आएंगी।